एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड दिस क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल इज लेस देन 1 इज मोर देन 1 इज इक्वल टू 1 कैन बी मोर देन अ लेस देन ऑन डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो सबसे पहले ये समझते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी इमेज उतनी ही साइज की बन रही है। अगर लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। रियर व्यू मिरर में बच्चों हम लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड व्यू बहुत ज़्यादा, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बहुत दूर तक और बहुत इस तरह से चौड़ाई में चीज़ों को दिखाता है। तो ढेर सारी चीज़ों को अगर एक मिरर दिखाएगा तो ऑब्वियसली उसकी इमेज उसको छोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मिरर तो इतना ही बड़ा है और उसको दिखानी बहुत सी चीज़ें हैं, तो छोटी चीज़ें बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी चीज़ें बनेंगी। ऑब्जेक्ट से अगर छोटी चीज़ें बनेंगी तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या सिचुएशन बोल रहा है? जो गाड़ी का व्हीकल होता है उसमें साइड में मिरर लगा होता है। कौन सा बच्चे होता है? ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक। कॉन्वेक्स हम जानते हैं, मिरर कुछ इस शेप में होता है, राइट। तो इस तरह से, राइट। अब देखो लाइट रे यहां से आएगी तो यहां का भी ऑब्जेक्ट ये दिखाएगा, ये लाइट रे यहां पर से आएगी तो यहाँ के ऑब्जेक्ट को भी दिखाएगा, और बाकी बीच में कहीं पे होगा उस ऑब्जेक्ट को तो ये दिखाएगा ही। यानी इसका फील्ड व्यू इतना ज़्यादा है कि बहुत चौड़ाई में चीज़ों को और बहुत दूर की चीज़ों को भी ये दिखाता है। अब सारी चीज़ों को इतनी छोटी जगह उसको दिखाएगा वर्चुअल इमेज के फॉर्म में, इरेक्ट इमेज के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली उसको छोटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिखाएगा कैसे? दिखेगा ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब जो वस्तु, अगर लेट्स से कि वस्तु कुछ इतनी बड़ी है तो ये कुछ छोटा ही दिखाएगा, इस तरह से छोटा दिखाएगा। तो इसका मतलब जो वस्तु है, इमेज उससे छोटी है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1 से कम होगा, ठीक। तो बस यही था इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।